मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में बैठक कर सागर संभाग में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत ओरछा में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता रैली सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर सुश्री रिजु बाफना ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की एवं आदर्श आचरण संहिता की सख्ती से पालन कराने के जरूरी निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत पिंक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने लोगों से मतदान करने की अपील की। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज जबलपुर के सिविक सेंटर में माता गुजरी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों से मतदान में शत प्रतिशत भागीदारी की अपील की। विदिशा में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला सहित स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। नर्मदापुरम में शासकीय होम साइंस कॉलेज में स्वीप गतिविधियों के तहत छात्राओं ने पेंटिंग व स्लोगन राइटिंग कर लोगों से मतदान करने की अपील की। स्वीप गतिविधि के अंतर्गत सिवनी जिले में शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता एवं अन्य परिचित मतदाताओं को पाती लिखकर मतदान करने की अपील की गई। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सीहोर जिले के शासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। ग्वालियर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान किया गया, साथ ही वोट डालने की अपील की गई।